खुद का दुख भूलकर किसानों का दुख दर्द समझने खेतों में पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। किसानों के मुआवजे की राशि 48 घंटे के सर्वेक्षण और मुआवजा दिया गया। पिछौर ब्लॉक के ग्राम पंचायत मनपुरा एवं दुल्हई में केंद्रीय उड्डयन मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किसानों को पूरे 48 घंटे में किसान को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ओलावृष्टि में हुए किसान की फसल के नुकसान का मुआवजा राशि का प्रमाण पत्र सिंधिया जी के डायरेक्टर किसान हाथों में सौंपा। प्रमाण पत्र सौंप रहे थे तभी महाराज की आंखों में अम्मा महाराज का दुख झलक आया। उन्होंने बताया कि अम्मा महाराज, मेरी माता जी 16 दिनों से दिल्ली की एम्स में हॉस्पिटल के वेंटिलेटर पर है, पर मुझे जैसे ही जनता का दर्द देखा नहीं गया और मैं जैसे ही प्रकृति की मार की आपदा सुना, मैं अपनी पत्नी और बहन को माता जी के पास छोड़कर ग्वालियर चंबल अनेक माता पिता भाई बहनों से मिलने पहुंचे। केंद्रीय उड्डयन मंत्री सिंधिया। इस मौके पर सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 2 तारीख को जैसे ही भिंड के अंदर प्रवेश किया और उसी दिन प्राकृतिक आपदा हमारे यहाँ 2 तारीख को हुई थी और शिवपुरी में भारत जोड़ो कांग्रेस यात्रा हमारे यहाँ 3 तारीख को निकल गई, जिससे कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने किसानों के बारे में एक शब्द नहीं बोला। ये क्या देश की सेवा करेंगे? महाराज ने मोदी है तो मुमकिन है कि नारे लगाए और देखिए क्या कुछ कहा। दीपक निगोती, पिछोर। भोपाल डिवीजन से शुरुआत हुई ओलावृष्टि। शांत हो जाए। भोपाल डिवीजन से शुरुआत हुई और गुना अशोकनगर होते हुए, चंदेरी होते हुए, पिछोर होते हुए, शिवपुरी होते हुए, करेरा में भी नुकसान किया। ये 80 किलोमीटर की पट्टी पे नुकसान हुआ। 2 तारीख को ओलावृष्टि हुई, 3 तारीख को प्रधानमंत्री जी की संपूर्ण मंत्रिमंडल की बैठक थी और आज मैं आपको बता दूं, घर में भी स्थिति वर्तमान में ठीक नहीं। मेरी मां राजमाता साहब बहुत क्रिटिकल है अस्पताल में पिछले 16-18 दिनों से, पर मेरे दिमाग में और मेरे दिल में एक ऐसा तनाव, क्योंकि एम्स के अस्पताल में अभी राजमाता साहब क्रिटिकल है, मेरी मां क्रिटिकल है, पर पिछोर के मनपुरा में भी मेरी माताएं हैं, मेरे पिता हैं, मेरे बहन हैं और मेरे भाई हैं जिनको मेरी जरूरत है। और इसलिए मैंने मेरी पत्नी और मेरी बहन के हवाले मेरे माँ को रखा है दिल्ली में, वो देखभाल करे ताकि मैं अपनी सारी माओं को और अपनी बहनों को और भाइयों का देखभाल इस ओलावृष्टि में भी कर पाऊं और इसलिए आपके समक्ष में आया हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये संकट की घड़ी में मैं आपके साथ खड़ा हूं, मध्य प्रदेश सरकार आपके साथ खड़ी है, मोदी सरकार आपके साथ खड़ी है, और जब मोदी की गारंटी होती है और मोदी की गारंटी के साथ मोहन यादव जी की सरकार की गारंटी होती है और बीजेपी की सरकार की गारंटी के साथ सिंधिया परिवार आपका ढाल और आपका तलवार भी बनता है, और सिंधिया परिवार के ढाल और तलवार के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं, बहुत नुकसान हुआ है, सबसे ज्यादा नुकसान तो अशोकनगर जिले में 81 गांव, 22,000 किसान, 19,000 हेक्टेयर जमीन प्रभावित हुई, और सबसे बुरा हाल विधानसभा वार करेरा का हुआ। लेकिन पिछोर में भी 8 गांव प्रभावित हुए हैं, 2,000 कृषक प्रभावित हुए हैं,
650 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई है, जिसमें से 105 हेक्टेयर भूमि अकेले मनपुरा की प्रभावित हुई है, जहां 375 किसान प्रभावित हुए। मैंने एक एक खेत और खलिहान में जाकर देखा और मुझे 2 दिन लगे आने के लिए, और वो 2 दिन 4 तारीख और 5 तारीख के बाद 6 तारीख को मैं आया, वो इसलिए लगे हैं, वो भी मैं आपको बता दूं कि जहां एक तरफ मैं अपनी मां का भी देखभाल कर रहा था, ये जरा एम्बुलेंस को जाने दो, एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाओ, एम्बुलेंस को कोई रोके ना, निकलने दो 108 को, सब गाड़ियां साइड में हो जाए, 108 को निकालो।